अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज दूसरा रोज़ा गुजर गया, बहुत ज़बरदस्त रहा। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है और पता ही नहीं लग रहा कि रमज़ान शुरू है या नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो रिसेंटली मैंने देखा है कि अपने जितने भी मैं रिसेंट वीडियोस डाल रहा हूँ उनमें फ्रिक्वेंटली एक ही कमेंट बार बार आ रही है, यहाँ पे शो रहा होगा आपको। आखिर मैं नहीं समझ सका कि इन कमेंट्स का क्या मतलब, क्या यार। आखिर कुछ भी मैं बोलता हूँ नीचे आता है इंशाल्लाह कम हो जाती। भी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मेरे साथ मैडम इरम की पिक थी। तो मैडम इरम का नहीं पता तो वो हमारी कॉलेज की प्रिंसिपल है, तो उनके साथ मेरी पिक थी। उसके नीचे भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी लिखा हुआ इंशाल्लाह कम हो जाती। मतलब क्या यार, इंशाल्लाह क्या। मुझे समझ नहीं आ सकी कि ये सेंटेंस आखिर इतना ज़्यादा क्यों बोला जा रहा है। और काफ़ी सारे लोग मिसगाइड है और वो अजीब ही मतलब निकाल रहे हैं इसका। तो अगर किसी को पता है इसका मतलब तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखे, ताकि मैं भी तो देखूं आखिर है क्या। अब कोई भी बात हम स्टार्ट करते हैं, कॉलेज, स्कूल, घर, हर जगह मुझे यही सेंटेंस सुनने को मिल रहा है। और अगर आप कहीं बाहर से वीडियो देख रहे हैं देन आपके लिए नहीं है, वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप कोटा के हैं और इरम कॉलेज के स्पेसिफिक, देन आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि फेयरवेल की पार्टी के दौरान भी काफ़ी सारे लोगों ने ऑन द स्टेज ये सेंटेंस रिपीट किया था, इंशाल्लाह काम हो जाती। मुझे इसकी मिस्ट्री नहीं समझ आ सकी। जिस जिसको पता है काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कंटेंट मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, बराह रास्त है राहे खुदा मदीने में। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं कश आओ मदीने चले, दस्त साकी को सर से पीने चले।